ओम शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है। यह अक्षर है उ और म। इसमें अ का अर्थ है उत्पन्न करना, उ का मतलब है उठाना और म का अर्थ है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। इसलिए आप जब भी का उच्चारण करें तो इन तीन अक्षरों को ध्यान में रखकर करें। ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओंकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाए, इसके बाद एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। सुखासन या किसी और आसन में बैठकर ओम का 108 बार उच्चारण करें। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें, इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा, पूरा शरीर तनाव रहित और शांत होने लगेगा। के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसके उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ओम परमपिता परमात्मा का वेदोक्त एवं शास्त्रोक्त नाम है। समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। अत ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ओम ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि है। यह पहली ध्वनि है जो सृष्टि के समय उत्पन्न हुई थी, जब हिरण्यगर्भ में स्वर्ण गर्भ फटा था। इस विस्फोट को स्फोटा के नाम से जाना जाता है और इस कृत्य से ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। ओम ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि है। अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती जाती है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस कर सकता है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। आत्म से जाप करें।